नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके तीसरी प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपन 3.4 तक पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे 3.5 के बारे में। तो अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह समझनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले अपन बात करेंगे इसके थोड़ा सा बेसिक के बारे में और फिर बात करेंगे इसके सभी सवालों के बारे में। तो पहले वाली अगर चीज में आपको लगातार समझ में आएगी तो पीछे वाले सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपने पीछे वाली जो श्री धराचार्य से द्विगति सूत्र आपने पढ़ा था, वो द्विगति सूत्र आपको अच्छी तरह आता है तो उसी के ऊपर लगभग मिलती जुलती प्रश्नावली है, उसी की तरह अपन थोड़ा सा हल करेंगे, उसी सूत्र से ही अपन इसके अंदर यूज करेंगे। तो देखते हैं अपन इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं और किस तरह से अपने को क्या क्या करना। तो देखो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो बहुपद की ये प्रश्नावली है, पहले अपन इसमें पढ़ेंगे जो द्विघात समीकरण है वो क्या होती है। तो ये अपन वैसे तो पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण अपने पहले पढ़ लिया था। द्विघात समीकरण को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2। तो मैंने लिख लिया ax2 + bx + c = 0। ये है एक द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके अंदर आपने पढ़ा था द्विघाती सूत्र, x का मान निकालने के लिए आपने पढ़ा था द्विघाती सूत्र। x का मान निकालने के लिए अपने पास तीन विधियां थी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्री धराचार्य से द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में क्या होता है, ये x बराबर मान निकालने का होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। ये अपना था द्विघाती सूत्र। अब अपने को यहां पर एक चीज निकालनी है, वो बोलते हैं विव्यक्तिकर। देखो विव्यक्तिकर क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे आप तब आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। तो देखो विव्यक्तिकर क्या होता है, ये जो रूट के अंदर मान है ये ही विव्यक्तिकर कहलाता है। क्या, यानी b² - 4ac, ये इतना सा है, ये क्या कहलाता है, विव्यक्तिकर कहलाता है। अब देखो अपने को निकालनी है इसकी मूलों की प्रकृति। तो देखो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, मूलों की प्रकृति यानी इसके जो उत्तर आएंगे, यानी इससे जो मान ज्ञात करते हैं x के, उसके मान आते हैं हर सवाल में द्विघात समीकरण है तो x के 2 उत्तर आएंगे, ठीक है। तो उनकी प्रकृति कैसे होगी वो ज्ञात करते हैं। तो देखो अपने पास यहां पर तीन कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन है। पहला क्या है, b² - 4ac = 0, b² - 4ac किसके बराबर हो, 0 के। दूसरा है b² - 4ac बड़ा हो 0 से, यानी कोई भी मान प्लस के अंदर आ जाए, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। और तीसरा है b² - 4ac छोटा हो 0 से, छोटा हो 0 से मतलब क्या हो, माइनस के अंदर उत्तर आ जाए, ठीक है। तो इसके मूल किस प्रकार के होंगे, इसके जो मूल होंगे, ठीक है, वास्तविक व समान, यानी 2 उत्तर आएंगे, दोनों ही एक जैसे उत्तर होंगे, उत्तर एक जैसे, x का मान 1 आया दूसरे का भी 1। वास्तविक का मतलब होता है जो वास्तविक संख्या होती है उसके अंदर उत्तर आएगा। ये है मूलों की प्रकृति, यानी मूल किस प्रकार के होंगे उसकी प्रकृति है ये। दूसरा देखो इसके होंगे वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान। वास्तविक तो होगी संख्या, यानी वास्तविक का मतलब होता है जो संख्या प्लस माइनस में होती है, अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या नहीं आता है जिसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते, या अंडर रूट के अंदर अंडर रूट की संख्या तो आ सकती है लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं आए तो वो इससे कर सकते हैं। असमान का मतलब जैसे x बराबर 1 आ गया, एक x बराबर 2 आ गया, तो दो अलग अलग उत्तर हो गए। और तीसरा होता है काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी अंडर रूट के अंदर संख्या आ जाए, जैसे आ गया अंडर रूट -3। अब अंडर रूट के अंदर माइनस की 3 संख्या आ गई, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, इसका अपन मान नहीं निकाल सकते। वास्तविक संख्या होती है प्लस में लिख दो, माइनस में लिख दो, बट्टे में लिख दो, अंडर रूट के अंदर लिख दो, वो वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या हो जाती है, काल्पनिक। ये बराबर 0 आ गया, इसका उत्तर किस में आता है, प्लस में, और ये आता है माइनस में। तो इसके ऊपर अपन सवाल सारे इसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, मूलों की प्रकृति निकालने के ये तीन तरीके हैं। आप देखो सूत्र इसके अंदर लगाएंगे, अगर ये बराबर 0 के आ गया तो ये कंडीशन लग जाएगी, अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो ये बड़ी, और अगर ये 0 से छोटा है तो ये आपके मूलों की प्रकृति हो जाएगी। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, तो अपन इसके सवाल करेंगे तो और भी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इसके बाद देखते हैं अपन एक एक सवाल इसका। तो देखो मैंने तीनों कंडीशन यहाँ लिख दी है ताकि आपको आसानी से सवाल के साथ समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से। तो देखो सवाल क्या दिया है, पहला निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी इसके मूल किस प्रकृति के हैं आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो पहले क्या करेंगे आप, ए बी सी के मान लिख लो, ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है -3 और सी बराबर कितना है 5। ये आपको पता है x स्क्वायर के साथ होता है वो a, x के साथ होता है वो b और सिर्फ संख्या होती है वो c, अगर माइनस है तो संख्या के साथ में रहेगा। अब देखो अपन लिखते हैं विविक्तिकर, इसको बोलते हैं विविक्तिकर, जो रूट के अंदर वाला मान क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान देखो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4, ये तो सूत्र का है, इंटू ए, ए का मान कितना है 2, इंटू सी, सी का मान कितना है 5, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, चाहे +3 का स्क्वायर हो चाहे -3 का, 9 होगा। माइनस 4 को 2 से गुणा करो 8, 8 को 5 से करेंगे 8 × 5 = 40, या ऐसे कह लो 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 4 से गुणा किया 40। अब इसमें से जाएगा तो क्या आ गया माइनस का 31। आपको का माइनस 31 मतलब ये क्या है 0 से छोटा है, ये क्या है 0 से छोटा, ये माइनस 31 है वो क्या है 0 से छोटा है। तो यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, जब भी उत्तर माइनस में आएगा मतलब वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो इसके मूल किस प्रकार के होंगे काल्पनिक। तो यहां लिखेंगे इसके मूल काल्पनिक है, बस आपको इतना सा करना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आसानी से आपको एबीसी का मान निकाल लिया, इस सूत्र के अंदर रखना है, यहां आपको चेक करनी है, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4c 31 क्या है 0 से, माइनस 31 क्या होता है 0 से छोटा होता है। तो अगर ये 0 से छोटा है तो 0 से छोटे वाली कंडीशन कौन सी है अपने पास, ये रही। तो ये कंडीशन लगा देंगे तो अपन क्या कह देंगे, तो इसके उत्तर क्या है काल्पनिक है। ये देखो माइनस के अंदर कोई भी संख्या दे तो ये लगेगा, प्लस के अंदर संख्या दे और ये बराबर 0 है तो यानी 0 आने पर वो सूत्र लगेगा। तो ये था इसका बहुत ही सिंपल सा पहले का पहला सवाल, बहुत ही सिंपल सा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल, पहले का वैसे ही करना है आपको, पहले एबीसी के मान निकले तो यहां देखो ए बराबर कितना है 2, बी बराबर -4 और सी बराबर 3, ये मान लिख लिया। अब देखो इसका लिखेंगे विविक्तिकर, विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसका अंदर मान रखते हैं तो बी का मान कितना है माइनस का 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का हो या 4 का 16, 4 को 4 से गुणा कराने पर 16, देखो इसको करेंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 × 3 = 24, तो ये भी कितना आ गया माइनस का 8, 16 में से 24, 16 में से 24 जाएंगे नहीं तो 24 में से 8 घटाएंगे, तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस का। तो ये माइनस का 8 भी क्या है, माइनस 8 क्या होता है, ये भी 0 से छोटा है, तो अपन क्या लिख देंगे यहां पर भी क्या है ये कंडीशन है यहां पर भी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके मूल क्या है काल्पनिक है, इसके मूल भी क्या है काल्पनिक है, क्योंकि ये क्या आ रहा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है छोटा है। तो यहां लिख देंगे इसके ऊपर, यहां लिख सकते थे आप कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, जिस कारण क्या हुआ कि ए जब भी होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो इसके मूल क्या है काल्पनिक। इसके बाद देखेंगे पहले का तीसरा सवाल, ये भी इसी तरह है, यहां पर ए बी सी के पर नाम मान लिख लिया, b बराबर देखो यहां पर x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x के साथ क्या है 1 और c की जगह तो -1 लिखा हुआ है। तो देखो इसका विविक्तिकर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो विविक्तिकर इसका निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से b की जगह कितना रखना है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान -1 है, देखो c का मान क्या है -1, तो यहां पर अपन इसको निकालेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहां पे देखो गुणा के अंदर 2 माइनस आ रहे हैं क्योंकि ये सारी संख्या गुणा में है, तो गुणा के अंदर 2 माइनस आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो 8 और 1 क्या हो गया 9। अब देखो 9 आ रहा है तो 9 आने से क्या हुआ, अपने मूल क्या होंगे वास्तविक और असमान, तो लिखेंगे यहां ये क्या है
नौ यहाँ क्या है, जीरो से बड़ा मतलब प्लस के अंदर है, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बड़ा है जीरो से, तो इसके मूल वास्तविक व असमान होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, तो आपको ये करके बताना है ताकि आपको ये पता चले। इसके बाद अगला देखो, पहले का चौथा सवाल देखेंगे उसी तरह, यहाँ पर देखो एबीसी के मान निकालना देखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक, तो ए बराबर एक, बी बराबर कितना है माइनस का चार, और सी बराबर भी कितना है चार, यहाँ पर अपन निकालेंगे इसका विविक्तिकर का सूत्र, तो आपको पता है विविक्तिकर क्या होता है, अब आप अच्छी तरह याद हो गया होगा, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, यहाँ इसके अंदर मान लेते हैं बी का मान कितना है माइनस का चार इंटू चार ये सूत्र का इंटू ए, ए का मान कितना है एक, और सी का मान कितना है चार, तो देखो चार का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ध्यान रखें प्लस होता है माइनस हो, ये माइनस हो प्लस का ही स्क्वायर आता है, और ये माइनस चार को एक से गुणा किया चार, चार को चार से लिया तो सोलह, सोलह में से सोलह गए तो जीरो, तो ये क्या हो गया यहाँ पर देखो बराबर जीरो आ गया, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर क्या है जीरो, बराबर क्या है जीरो, तो इसके मूल क्या होंगे, तो इसके मूल क्या है वास्तविक और समान है, देखो जब जीरो आ जाता है तब क्या होता है वास्तविक और समान, तो देखो ये रहा बराबर जीरो अगर आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे वास्तविक और समान लिखना है, बस आपको ये तीनों कंडीशनें याद रखनी है, फिर आप सवाल इसको आसानी से कर सकते हैं। एक ये देखो इसको क्या कह सकते हैं काल्पनिक, या इसको ये भी कह सकते हैं वास्तविक नहीं, यानी मूल वास्तविक नहीं है, या अवास्तविक भी कह सकते हैं, काल्पनिक को ही अपन कहते हैं वास्तविक नहीं है, तो ये आप चीजें ध्यान रखेंगे, ये चौथा सवाल था इसका। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, पांचवा सवाल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए बी सी का मान, ए बराबर दो, बी बराबर पांच, और सी बराबर भी कितना है पांच, सी बराबर भी कितना है पांच, अब इसका निकालेंगे विविक्तिकरण, जो आपको अब आसानी से निकालना आ ही गया, विविक्तिकरण क्या होता है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, तो देखो इसका मान निकालेंगे बी की जगह पांच का स्क्वायर माइनस क्या होगा चार इंटू ए का मान कितना है दो इंटू सी का मान कितना है पांच, तो देखो पांच का स्क्वायर कितना होता है पच्चीस, चार को दो से या पांच को दो से गुणा करो दस, दस को चार से करेंगे तो चालीस, अब देखो पच्चीस में से चालीस जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस का पंद्रह, देखो अपन चालीस में से पच्चीस घटाएंगे, पच्चीस में से चालीस घटेगा नहीं, चालीस में से पच्चीस घटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी, देखो जीरो में से पांच जाएगा तो पांच, और यहाँ तीन बचेगा, तीन में से दो जाएगा तो एक, तो ये क्या है लेस देन जीरो है, ये लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है यहां बी स्क्वायर माइनस चार ए सी क्या है जीरो से छोटा है, जब माइनस की संख्या होती है वो क्या होती है जीरो से छोटी, अगर जीरो से छोटी है तो इसके मूल क्या है इसके मूल अवास्तविक या वास्तविक नहीं है, अपन ये भी लिख सकते हैं वास्तविक नहीं, या फिर लिख सकते हैं काल्पनिक है, क्या लिख सकते हैं काल्पनिक है, इसके मूल क्या है काल्पनिक है, ये दोनों ही आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, देखो अगर माइनस में संख्या आ जाए आपको पहले बताया था, तो मूल क्या है या तो काल्पनिक लिख दो चाहे वास्तविक नहीं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा आसान सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, जिसके अंदर भी अपने को इसी तरह करना है, लेकिन इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है इसको, देखो यहाँ पर भट्टे में संख्या आ रही है, तो सबसे पहले आपको हर बार यही बताया हुआ है कि अगर भट्टे में संख्या है तो सबसे पहले आप क्या करो समीकरण को सरल समीकरण में बदल दो, यानी पूरी समीकरण को तीन से गुणा कर दो, जो भी भाग में आता है उसी के अपन क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, ताकि समीकरण आसान हो जाए, देखो यहां मैंने तीन का गुणा कर दिया, यहां भी तीन का गुणा कर दिया, और यहां भी देखो तीन का गुणा कर दिया, और बराबर में भी क्या किया मैंने तीन का गुणा कर दिया, इससे क्या हो जाता है अपनी समीकरण आसान हो जाती है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा नौ एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या हो जाएगा छह एक्स प्लस ये देखो तीन से तीन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तीन से तीन कट हो गया तो यहाँ क्या बचा सिर्फ एक, और जीरो को तीन से गुणा करेंगे तो जीरो, तो ये अपनी समीकरण बन गई। अब उसी तरह करेंगे ए बराबर कितना है नौ, बी बराबर कितना है माइनस का छह, और सी बराबर कितना है एक, अब अपन इसका निकालेंगे विविक्तिकर, देखो विविक्तिकर कैसे निकालते हैं आपको पता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, तो बी की जगह कितना है माइनस का छह स्क्वायर माइनस चार इंटू ए का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 1, तो
तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 9 को 4 से गुणा करो 36, को 1 से गुणा करेंगे फिर से, देखो 9 को 4 से गुणा किया 36, 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36, और 36 में से 36 जाएंगे तो 0। अब देखो b बराबर 0 आता है तो बराबर 0 वाली कंडीशन कौन सी है, सबसे पहली कंडीशन, यानी यहां क्या है अपन लिखेंगे यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0 के, जब 0 बराबर आ जाती है तो अपन क्या लिखेंगे, तो इसके मूल वास्तविक वह समान है, वास्तविक और क्या होता है, जब भी जीरो आ जाता है तो क्या लिखेंगे, वास्तविक और समान, यानी इसके मूल क्या है, ये जो उत्तर लिखा है इसके मूल वास्तविक और समान है। तो ये था आपका पहला पूरा सवाल, जिसके अंदर छठे छह के छह सवाल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये तीनों कंडीशनें अच्छी तरह याद रखनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान, यानी दोनों तरफ से आपसे पूछे वास्तविक और असमान कब होते हैं, तो आप बताएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो। और तीसरा पूछे काल्पनिक कब होते हैं, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो। तो ये तीनों कंडीशन आपको अच्छी तरह याद रखनी है, अगर ये याद है तो फिर आप इस सवाल को आसानी से, इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, जो देखो अगर पहले वाले आपको तीनों कंडीशन याद है तो आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं सवाल क्या है, आपको दिया है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर है। आपको दिया हुआ है मूल वास्तविक और बराबर वाली कंडीशन, आपको पहले से ही दे दी, इसके मूल और वास्तविक है पहले से ही दिया हुआ है। तो आपको यह बताना है कि इस k का मान है, यहां पर जो समीकरण k आ रहा है इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो अपने पास तीन कंडीशन है, तीनों में से वास्तविक और समान किसमें, तो देखो ये रहा वास्तविक और समान, समान कह दो या बराबर कह दो एक ही बात है, ठीक है। तो पहले वाली कंडीशन आपको यूज करनी है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपको रखना है, क्योंकि इसी में क्या होता है मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, इसका मान रख के आप निकालेंगे। तो पहले इधर देख लेते हैं, अपने द्विघात समीकरण किसमें किसे कहते हैं, जिसमें x की घात क्या हो 2 हो, लेकिन यहां पर नहीं दिख रही है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसके अंदर गुणा करेंगे, यानी इसको इससे और इससे गुणा करेंगे। तो देखो k को इससे गुणा करेंगे तो k का k रहेगा x, और x क्या हो जाएगा x2, इसकी पहले इससे गुणा की है। अब देखो इसी की फिर इससे गुणा करेंगे, तो इसकी उससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 k और x, और प्लस का 6, ब्रैकेट यहां तक ही था तो यहां तक ही गुणा करेंगे बराबर 0। अब अपने ये द्विघात समीकरण बन गए, देखो x2 फिर x और फिर सिर्फ संख्या वाला पद आ गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहां a का मान निकालेंगे, a बराबर कितना है k, x2 के साथ जो भी है वो a का मान है। यहां देखो b बराबर क्या है माइनस का 2 k, देखो x के साथ जो भी होता है वो b का मान होता है, और c बराबर क्या है 6, c बराबर क्या है 6, ये देखो 6। अब आपको दिया हुआ है यदि इसके मूल वास्तविक व बराबर हैं, तो अगर आपको देखो पहले से वास्तविक और बराबर दिया, तो वास्तविक और बराबर कब होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में, तो अपन लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आपको रखना है, बराबर 0 रखना है पहले से ही, क्यों, क्योंकि ये तभी होता है जब बराबर 0 आता है, तभी मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अब आपको इसके अंदर उठा के इसके मान रखने, तो b का मान कितना है माइनस का 2 k, और इसका स्क्वायर माइनस 4, ये तो 4 सूत्र का, a का मान क्या है k, और b का सॉरी c का मान क्या है इनटू 6 बराबर 0। अब देखो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा किया तो 24, और k का k बराबर 0। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 4 आ रहा है और k कॉमन आ रहा है, दोनों 4 के क्या आ रहा है कॉमन, तो यहां बचेगा k माइनस, देखो 4 कॉमन गया तो 4 का बड़ा कितनी बार बोलने पर 24 आता है, 6 बार, और ये k था वो कॉमन आ गया। देखो अब देखो वो कंडीशन लगाएंगे, यदि ये बराबर 0 और यदि ये बराबर 0, तो सबसे पहले तो ये लगाएंगे यदि 4 के बराबर 0 हो तो k बराबर क्या आ जाएगा 0 बटे 4, 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में मतलब 0, तो एक तो आ गया अपने पास k बराबर 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 0, पहला मान तो ये आ गया, एक तो मान हो गया k बराबर 0। दूसरा देखो, यदि दूसरा मान ये रखेंगे k माइनस 6, k
माइनस छह बराबर जीरो हो तो x बराबर छह को इधर लाएंगे तो प्लस का छह, तो दूसरा मान ये आ गया। तो अपने पास दो k के मान आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस तरीके से अपन k का मान निकालना है। देखो सबसे पहले तो अपने को द्विघात समीकरण अगर नहीं दिख रही तो पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, अगर पहले से दी हुई है तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो देखो पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाए, फिर ए बी सी के मान निकाल लिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो a का मान, x के साथ होता है वो b का मान, और सिर्फ संख्या होती है वो c का मान निकाल लिया। उसके बाद आपको देखा है मूल वास्तविक और बराबर, तो मूल वास्तविक और बराबर की कंडीशन अपने लगा दी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये रख दिया। इसके अंदर मान रख के अपने को k मान का मान निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन दोनों k के मान आ गए, तो आसानी से सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो और सवाल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो x स्क्वायर ये रहा, तो अपन सीधा देखो x स्क्वायर भी है x भी है तो ये है, तो इसके अंदर गुणा नहीं करानी आपको, x के अंदर नहीं गुणा करेंगे। देखो ये जो संख्या है वो पूरी संख्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक है, यानी कि a बराबर कितना है 1, b बराबर ध्यान से रखेंगे माइनस 2 k प्लस 1, ये पूरा का पूरा b का मान है। आपको कहा है x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ गुणा में है वो सारा का सारा b है। देखो आगे माइनस है फिर 2 k प्लस 1, और जो सिर्फ बाद में बची हुई संख्या होती है c का मान है, तो c का मान क्या है k स्क्वायर, ये सिर्फ संख्या है। देखो यहां पर k का मान अपन निकालेंगे तो कोई संख्या आएगा, तो मतलब यहां पर क्या है कोई संख्या है। अब अपन निकालेंगे यदि मूल वास्तविक वे समान है, तो आपको दिया हुआ है मूल वास्तविक और समान सभी सवालों में ये यूज करना है, यानी b स्क्वायर माइनस 4 ac बराबर 0 सभी में ही ये यूज करना है। तो देखो b का मान कितना है, ये रहा माइनस का 2 k प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान k स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे यहां माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी स्क्वायर, यानी k प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर का पता होगा सूत्र, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर से सूत्र खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहां पर k का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर a, यानी इसकी जगह क्या रख रहा है अपने को, ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है, ये a प्लस b के होल स्क्वायर से आपको सूत्र खोलना है, ठीक है, इसका सूत्र खोल दिया, माइनस 4 को k स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर क्या हो गया, 4k स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करते हैं, इस 4 के अंदर गुणा करानी पड़ेगी, इस 4 को तीनों से देखो, इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी और ये इससे भी गुणा, 4 को k स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और k, देखो 4 को 2 से गुणा किया 8 और k प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो ये 4k स्क्वायर प्लस का, इसका लिए कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एक जैसी संख्या देखो स्क्वायर भी होना चाहिए दोनों के साथ, ठीक है, तो 4k स्क्वायर ये रहा माइनस का 4 स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या बचा 8k प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से अपने कॉमन ले सकते हैं 4, तो क्या बचेगा 2k प्लस 1 बराबर 0। देखो यहां से अपने कॉमन ले लिया 4, 4 क्या रहा है अपने कॉमन, देखो यहां से ले लिया 4 कॉमन, देखो 4 का पाड़ा 2 बार गोले पर आता है तो यहां 2k का k प्लस 4 का पाड़ा 1 बार गोले पर आता है तो ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो भाग में, यानी 2k प्लस 1 बराबर 0 बटे 4, 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो अपने पास बचा 2k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 और ये 2 इसके गुणा में बटे है, यानी k बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 बटे 2, 1 ही मान आएगा, k बराबर माइनस का 1 बटे 2। हो सकता है कईयों में k का मान 2 भी आ, मतलब 2 अलग अलग मान आ सकते हैं, यहाँ पर एक ही आएगा तो अपन एक ही निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सवाल करना पड़ेगा, इस सवाल को बहुत ध्यान से कीजिएगा। देखो ए बी सी के मान थोड़े से आपको ऐसे लगेंगे कि ये कैसे आ गए, ठीक है, लेकिन आपको बता दिया जैसे x इसके साथ होता है वो b होता है, ये a है और ये जो सिर्फ संख्या होती है वो c होता है, यानी ये a ये b और ये c, फिर इससे ही अपन मान निकाल के इसको सरल करेंगे तो आपको इसका हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये एक सवाल था महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल, ये भी उसी तरह है, आपको वही मूल यूज करना है। तो देखो a बराबर यहां पर कितना है 2, a बराबर x स्क्वायर के साथ होता है,
b बराबर कितना है x के साथ, क्या है k, तो k, और c बराबर क्या है सिर्फ संख्या तो 3। तो लिखेंगे यहां यदि मूल वास्तविक व समान या बराबर हो, तो समान कह दो या बराबर कह दो, तो क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रखेंगे 0। तो मान रख देते हैं अभी का मान क्या है k, यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर क्या हो गया k स्क्वायर माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24 बराबर 0। अब देखो 24 को इधर ले जाते हैं तो k स्क्वायर बराबर 24 इधर प्लस का इधर जाएगा, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, अगर इधर अनरूट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 24 प्लस माइनस, दो उत्तर आएंगे, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, ठीक है। अब आप 24 ये भी लिख सकते हैं उत्तर, और 24 को देखो क्या लिख सकते हैं, 24 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 6, 24 को क्या लिख सकते हैं 4 × 6, ठीक है, 4 को 6 से गुणा करेंगे वापस 24 बन जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता है, एक संख्या ऐसी जिसका वर्गमूल निकलता है उसके गुणा में ऐसे लिख दो तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 6 रह जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस इसको ये भी लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यानी ये दो उत्तर आ गए इसका, एक बार प्लस में k बराबर और एक बार ये माइनस के अंदर k बराबर, तो ये भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस क्या होता है, ए बी सी के मान निकालते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है ये कंडीशन लगानी है, आपको दिया है मूल वास्तविक और बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर वाली ही कंडीशन लगानी है, अगर मूल वास्तविक और असमान दिया हो तो ये कंडीशन लगेगी, मूल काल्पनिक है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। तो देखो ये दिया होता है ये लगे, फिर इसके अंदर सीधे सीधे मान उतार के रखने हैं और इसको हल करना है, हल करते ही आपके पास मान आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा आपके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।